भाद्रपद यानी भादों का महीना चल रहा है और इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी हुआ था। कृष्ण का व्रत लोग बड़ी ही श्रद्धा के साथ रखते हैं ताकि उनकी हर मनचाही इच्छा पूरी हो सके। इसलिए वो श्री कृष्ण को खुश करने के लिए लगे भी रहते हैं। मंदिरों में भारी मात्रा में भक्तों की भीड़ भी देखने को मिलती है। इस बार श्री कृष्ण का जन्म 3 सितंबर को पड़ रहा है, इसलिए जन्माष्टमी के दिन 3 राशियों को मिल रहा है वरदान, जिसके चलते आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो चलिए आपको बताते हैं उन 3 राशियों के बारे में। पहला, वृषभ राशि। किसी को दिया हुआ धन आपको वापस मिलने की संभावना है। आर्थिक मामलों में सोच विचार करके काम जरूर करें। व्यवसाय से जुड़ी सभी समस्याओं से निजात मिलेगा। जन्माष्टमी के दिन आपको खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। दूसरा, कन्या राशि। नौकरी के क्षेत्र में लाभ हो सकता है। आपको बहुत ज्यादा धन का लाभ होगा। श्री कृष्ण की विशेष कृपा से आपको अचानक धन का लाभ हो सकता है। सरकारी कार्यों में लाभ देखने को मिल सकता है। कोई भी नया काम करने से पहले सोच विचार जरूर कर लें। पुराने मित्र से मिलने की संभावना भी बन रही है। तीसरा, कुंभ राशि। व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में सफलता हासिल हो सकती है। किसी को दिया हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। अपने क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप किसी नए काम को करने में रुचि रखते हैं तो उस काम को करने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से विनित राय की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस।